ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1964 शनिवार 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। मैं भी जो ऊपर में हूं और ये झाड़ उल्टा है, मैं जो बीज रूप हूं सो तो चैतन्य हूं, चैतन्य भी हूं और सत्य भी हूं। सत्त चित्त आनंद स्वरूप ऐसे कहते हैं ना, सच्चा भी है, चैतन्य भी है और सदा आनंद स्वरूप में टिकने वाला है। भले कोई ने महिमा थोड़ी बहुत दे दी है, पर ये तो सत्य है, चैतन्य है, बरोबर सबकी आत्माएं सत्य है और चैतन्य है, परंतु सदा आनंद स्वरूप नहीं है और मैं इस सृष्टि का बीज रूप चैतन्य भी हूं, सत्य भी हूं और सदा आनंद स्वरूप हूं। बरोबर सबकी आत्मा चैतन्य है, सत्य है तो जरूर ना, आत्माएं सत्य हैं। सत्य की क्या पहचान? नासतो विद्यते भावो, गीता में भी बताया है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, अभी भी है, आगे भी सत्य रहेगा, भूतकाल में भी सत्य था। और सिख लोग कहते भी हैं, है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, तीनों काल के लिए सत्य ही बताते हैं। ये शरीर असत्य है, आज है और कल नहीं रहेगा, और ये शरीर घड़ी घड़ी मरता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। आत्मा तो नहीं मरती है ना, तो आत्मा को ये नॉलेज ग्रहण करनी है, समझा ना। कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप चेप नहीं लगता है, अब आत्मा निर्लेप है कि बाप निर्लेप है? लेपछेप किसको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है। संघ का रंग है किसको नहीं लगता है?
बाप को नहीं लगता है और बाकी सब आत्माओं को लेप छेप तो जरूर लगता है। और वो सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अभी बाप बैठकर समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूं, यानी कि पाप पुण्य का, सुख दुख का, स्वाद व अस्वाद, कड़वा मीठा, ये कोई भी प्रकार का लेप छेप मेरे में नहीं है। किसने बोला? बाबा तो साकार और निराकार दोनों के मेल को कहा जाता है, दोनों में निर्लेप कौन आत्मा है? शिव बाप, जिसे परम पिता कहते हैं, उसमें लेप छेप नहीं है, तुम्हारे में लेप छेप है। तुम्हारी आत्माओं में है और मेरी आत्मा में नहीं है। मैं निर्लेप हूं यानी मेरे में ये लेप नहीं है। मैं हूं ज्ञान का सागर, ये जानता हूं कि मैं दुख सुख से या खट्टा खारा इससे निर्लेप हूं। है बाप निर्लेप, और ये मनुष्य कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है कि परमात्मा निर्लेप है? देखा ना, कहां फर्क आकर के पड़ा है मनुष्यों की बुद्धि में। जैसे जैसे एक ने कहा तो वो मनुष्य पीछे फालो कर लेते हैं। ये बाप कहते हैं कि बच्चे निर्लेप किसको कहा जाता है? वो निर्लेप मैं हूं। मैं सुख दुख दोनों से न्यारा हूं। कौन? सुप्रीम सोल शिव सुख से भी न्यारा और दुख से भी न्यारा। उसको दुख भी फील नहीं होता और सुख भी फील नहीं होता। न्यारा माने सुख दुख में रमण नहीं करता है, समझा ना? फिर ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं अलग हूं ना। तुम्हारा ये जो भी खान पान है, ये खान पान आदि इनकी आत्मा को होता है। खान पान करते हैं तो कहते हैं ये खट्टा है, ये मीठा है। मैं तो नहीं कहता हूं ये खट्टा है या मीठा है, क्योंकि मैं इन बातों में निर्लेप हूं। इतना जरूर है कि मैं ज्ञान का सागर हूं। मुझे ये सारे षष्ठ चक्र का जो तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूं, वो ज्ञान सारे षष्ठ चक्र का मेरे में है। और किनको पढ़ाता हूं?
किनको पढ़ाता हूँ? आत्माओं को। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, ऐसे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी आत्मा है, सबको पढ़ाता हूँ। आत्मा को पढ़ाता हूँ मतलब क्या हुआ? जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनको पढ़ाता हूँ। देहभान में रहने वाले न पढ़ते हैं न मैं उनको पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूँ। तो हर एक को ये समझना पड़े, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। अब यहाँ तो कोई सत्संग ऐसा हो नहीं सकता है जिनमें ये सभी बातें समझने समझाने वाला कोई हो, तो निश्चय करना चाहिए ना कि यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है। और भगवान तो एक को ही कहेंगे ना, है? एक को माने एक बिंदु को, भगवान जब कहा जाता है तो ये एक बिंदी की तरफ इशारा थोड़े ही करते हैं। गॉड इज वन और उसकी क्रिएशन इज वन, क्या मतलब हुआ? है क्रिएटर एक, कौन बाप? यहाँ तो दो बाप हो गए बेहद के, एक आत्माओं का बाप और एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। माना सारी मनुष्य सृष्टि उसे अपना विश्व बाप स्वीकार करती जरूर है। आज नहीं तो कल सारी मनुष्य सृष्टि, सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं उसे अपना बाप मानती है। क्राइस्ट गॉडफादर को नहीं मानता है? मानता है। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये सब क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएशन है। तो गॉड इज वन, उसका बच्चा भी वन। कैसे? गॉड के तो तीन बच्चे हैं, पहलोटी के ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर क्या कहते हैं? देवदेव महादेव। तो शंकर बड़ा हो गया, इसलिए कहते हैं गॉड इज वन, तो उसकी क्रिएशन भी पहली पहली वन ही कहेंगे। नहीं तो कहां तो लिख दिया है पाताला पाताल, आकाशी आकाश, ऐसे सृष्टि बताई दी है। इसलिए ये हिंदू शास्त्रों में जो गड़बड़ मचाई दी है वो बेचारे सृष्टि ऊपर में ढूंढते हैं,
ग्रहों उपग्रहों में चक्कर काट रहे हैं ना, कहीं चंद्रमा पर जाते हैं, कहीं मंगल पर जाते हैं, तारों में और चंद्रमा में बिचारे मत्था मार रहे हैं। क्योंकि एक तो यहीं से ही गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये गाया हुआ है ना, ये उल्टा हुआ ना, क्योंकि द्वापर वालों ने पीछे जो आए हैं वो एक तो कहते रहते हैं सबको कि पहले पहले है भारत मुख्य, क्यों भारत को मुख्य क्यों बताई दिया? अविनाशी खंड होने के, आदि से लेकर के और अंत तक काय में रत, भा माने ज्ञानी की रोशनी में रत, भारत को कहा जाता है अविनाशी खंड। अविनाशी खंड माने कभी नाश नहीं होता, जिस खंड का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं विनाश होता? क्योंकि अज्ञान में जो रत रहेगा तो विनाश होगा, और ज्ञान में रत रहेगा तो विनाश होने का सवाल ही नहीं। 29:64 की वाणी का छठा पेज। अविनाशी खंड क्यों? जैसे बाप अविनाशी आत्मा है वो यहां जन्म लेते हैं, कहां भारत खंड में जन्म लेते हैं, तो ये किसकी बर्थ प्लेस है? किसकी बर्थ प्लेस है? बर्थ किसकी होती है और जन्मदिन किसका मनाया जाता है? निराकार का जन्मदिन तो नहीं मनाया जाता। पतित पावन की बर्थ प्लेस है, दो शब्द क्यों कह दिए? वो एवर पावन है, एवर प्योर है, या पतित पावन दोनों शब्द ऐड कर दिए है? एवर प्योर तो पावन करता है नहीं, तो पावन नहीं कर पाता है, आता है एवर प्योर आता है, लेकिन जब आता है तो सारी दुनिया अंधी है या सोझरी है? किसके सामने आता है? अंधों के सामने आता है। तो पतित को पहले सामना करना पड़े या निराकार सामने हो जाए? निराकार तो सामने कैसे रहे? कैसे होगा? इसलिए पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में। वो पतित पावन जो हम सबको पतित से पावन बनाते हैं, उनका ये बर्थ प्लेस है। यह बहुत ऊंचा खंड है, परंतु वो बाप का नाम प्रहलोप कर गीता का नाम बाला किया है या गुमनाम किया है?
गीता में जो असली ज्ञानदाता है उसको गुम कर दिया। कौन है ज्ञानदाता? असली ज्ञानदाता और नकली ज्ञानदाता। नकली ज्ञानदाता कृष्ण है, सकली ज्ञानदाता स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान है। परमपिता परमात्मा भगवान जिसको हम कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा भगवान सत्युग त्रेता में गाया जाता था, गीता का भगवान है कौन? कृष्ण नहीं। कब से गाया गया? द्वापर से गाया गया। और द्वापर में भी, द्वापर पहले सतो प्रधान होता है या सतो से रजो, रजो से तमो में गुजरता है? तो शास्त्र जो भी है, चाहे गीता हो, गीता तो पहला पहला शास्त्र है। यज्ञ के आदि में भी किसका अर्थ करके बैठ समझाते थे? गीता के श्लोकों का अर्थ बैठ समझाते थे, जो आदि में सो अंत में भी होगा। नहीं तो गीता की 108 से ऊपर की टीकाएं लिखी जा चुकी, अलग अलग धर्म संप्रदाय वालों ने लिखी, वो लिखने वाले सारे झूठे या सच्चे हैं? अरे जिन्होंने टीकाएं लिखी वो सच्चे, या जिन्होंने गीता लिखी वो सच्चे? गीता लिखने वाला सच्चा, टीकाएं करने वाले सच्चे या झूठे? हाँ, जैसे जैसे मनुष्य विकारी होते गए, द्वापर के एकदम आदि में तो विकारी नहीं थे, बाद में ही तो विकारी बने ना। सतो से रजो, रजो से तमो में आए, तो जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकारी बनती गई, विकारों के आकर्षण के कारण उन्होंने नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। 16108 रानियां जिसके पास हो वो ही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं हो सकता। तो बुद्धि काहे से प्रभावित है? है विकृति से प्रभावित है। तो देखो, गीता का नाम डाल दिया, बाप का नाम प्राय लोप कर दिया। प्राय क्यों कहा? गीता में कहीं नाम है निराकार का या निराकारी स्टेज वाले का? नाम नहीं है? हाँ, काम दिखाया है, मैं अव्यक्त हूं, मैं निर्विकारी हूं, ऐसे ऐसे ढेर के ढेर श्लोक आए हैं ना, जो निराकार की तरफ इशारा करते हैं। और जो निराकार है, निर्विकारी है, वो कलाओं में बंधा हुआ होगा या कलातीत होगा? है कलातीत होगा। और कृष्ण को? कृष्ण को कलाओं में बांध दिया। तो जो बंधन में है वो भगवान कैसे हो सकता? भगवान बंधन से छुटाने वाला है या बंधने वाला और बांधने वाला है? वो तो छुटाने वाला है। तो जो कहते भी हैं शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, फिर दूसरी बात भूल जाते हैं। एक तरफ ये भी शास्त्रों में लिख दिया है सत्युग 16 कला संपूर्ण,
त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला, कलयुग 4 कला, फिर 9 कला, ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन फिर कृष्ण को कहां डाल दिया? द्वापर 8 कला में डाल दिया। तो शास्त्रों का कोई आगा पीछा टैली नहीं होता है। क्यों नहीं टैली होता? क्योंकि तुंडे तुंडे मतर भिन्ना, मनुष्यों की बुद्धि अलग अलग मत की है, एक मत की नहीं है, इसलिए टीकाओं में भी भिन्नता आ गई। अब सवाल यह है कि चलो वो टीकाएं तो झूठी जो मनुष्यों ने लिखी, भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जिसे सच्चे सच्चे कहें गीता ज्ञान, क्या सुनाता है? है? गीता ज्ञान सुनाता है। तो भगवान जो गीता ज्ञान सुनाता है उसे गीता ज्ञान कहें या गीता ज्ञान अमृत कहें? अमृत कहें। लेकिन मुरली में तो बोला है अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? अरे अमृत कहो, मक्खन कहो, घी कहो, सार कहो, कब निकलता है? जब मंथन करेंगे तभी तो निकलेगा। जिस समय वो वाणी बोली कि अभी अमृत नहीं कहेंगे, उस समय ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकल रही थी उसका मंथन हो रहा था है? नहीं। तो जब मंथन होता है तब उसे कहते हैं अमृत। विचार सागर का मंथन का शास्त्रों में भी बहुत नाम वाला है। उस अमृत मंथन में मंथन करने वाले कौन और किसका मंथन करते हैं? जैसे दूध का मक्खन किया वो मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, तो क्या निकलता है? सार निकलता है। अब यहां हम काहे का मंथन करें? ज्ञान का मंथन। माना ज्ञान क्या? जानकारी। जानकारी किस बात की? जानकारी एटम बम बनाने की जानकारी, सच्चाई की जानकारी। सत्य कल्याणकारी होता है, यह एटम बम की तरह कल्याण करने वाला होता है, है? बनाने वाले इतना ही भूल जाते हैं कि हम जिस डाली पर बैठे हैं, जिस दुनिया में बैठे हैं, उसी दुनिया को विध्वंस करने की चीज तैयार कर रहे हैं। तो डाली पे बैठा है आदमी और उसी डाली को काट रहा है, उसको ज्ञानी कहें अज्ञानी कहें? वो तो अज्ञानी हो गया। तो यहां बरोबर बाप का मंदिर है। क्या मंदिर है बरोबर? और पुराने से पुराना मंदिर कौन सा है? कृष्ण का मंदिर। हिस्ट्री में पुराने से पुराना मंदिर कौन सा है? सोमनाथ का मंदिर। कृष्ण का मंदिर पुराने से पुराना नहीं है। और ओल्ड इज गोल्ड। इसे क्या साबित होता है कि बाप का जो मंदिर है, यादगार है, उस यादगार में क्या रखा है? कृष्ण रखा है, शिवलिंग रखा है। उस लिंग को हम गीता का भगवान कहें? कहें? अरे कैसे शिवलिंग को? वो तो पत्थर है ना। पत्थर तो है वो, तो पत्थर तो यादगार बनाई जाती है, प्रतीक बनाया हुआ है। पत्थर तो सोमनाथ मंदिर में सिर्फ अकेला पत्थर ही नहीं था, पत्थर के बीच में हीरा जड़ा हुआ था। इसे साबित होता है कि जो पत्थर है वो तो साकार शरीरधारी है, पत्थर बुद्धि।
वो साकार शरीरधारी की यादगार है, स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, पत्थर का लिंग, लौह लिंग। लिंग किसकी यादगार? सुप्रीम सोल की यादगार है या सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसकी यादगार है? सुप्रीम सोल की यादगार लिंग नहीं है, वो लिंग है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। दिखाते हैं नहीं दिखाते? कहते भी हैं, बिनु पग चले सिनोय बिनु काना कर बिनु कर्म कर है विधि नाना, ऐसे कह देते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो निराकार जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है उस साकार शरीरधारी को आप समान बनाए देता है। माना आप समान बनाए देता है, माना शरीर छुड़ाए देता है। हाँ, कान है लेकिन कान होते हुए भी जैसे नहीं है। सारी दुनिया बुराई करती है, कलंक लगाती है, लेकिन सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही आंखों के लिए, ऐसे ही कर्म इंद्रियों के लिए, कर्म किया किया न किया उसका कोई असर आत्मा के ऊपर नहीं, कोई लेप छेप नहीं। ऐसे बाप का मंदिर यहां है, कहां? भारत में, अविनाशी खंड में है। पीछे कृष्ण का भी मंदिर है। अब बताओ रचयिता कौन और रचना कौन? रचयिता पहले या रचना पहले? कृष्ण है, वो तो 16 कला संपूर्ण है, वो तो नर से नारायण भी नहीं बनता है डायरेक्ट। नर से पहले प्रिंस बनता है, फिर नारायण बनता है। और नारायण का और भारत का अर्थ एक ही है। नार मन ज्ञान जल, आयन मने घर। क्या नेपाल में काठमांडू में यादगार बनी है? क्या विष्णु को कहां दिखाया है? तालाब में दिखाया है। तो घर कहां है? जल में है। स्थूल जल की तो बात ही नहीं, ये ज्ञान जल में उसका मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है, यादगार है। माना ज्ञान जल में मस्त रहता है, उसका घर और दुनियावी जगह में नहीं है, ज्ञान में ही उसका घर है। कृष्ण के लिए तो नहीं कहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए ना कि कृष्ण का मंदिर वो है, बाप का मंदिर। ये क्या बात? कृष्ण का मंदिर है वो है बाप का मंदिर, तो अंतर है ना। माने कृष्ण साकार है, उसका साकार चित्र है, साकारी मूर्ति है, और निराकार की मूर्ति नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी जब संपन्न बनता है पुरुषार्थ में, वो भी निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। पढ़ने वालों में सब एक जैसे होते हैं कि नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं ना। कोई तो अब्बल नंबर होता है, जो अब्बल नंबर होता है उसकी यादगार है। मुसलमान लोग भी गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया, तो किसी के द्वारा किया ना। जिसके द्वारा किया वो अल्लाह का बच्चा, पहला बच्चा। इसलिए बाप आते हैं आप समान बनाते हैं, तो कोई तो पहले आप समान बनेगा। कौन बनता है? शंकर का नाम गायन है। क्या गायन है?
शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? कृष्ण का नाम जोड़ा जाता है, सीता या राधा का नाम जोड़ा जाता है? नहीं, शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई धर्म पिताओं का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ एक का नाम जोड़ा जाता है, शिव शंकर। शिव का नाम पहले क्यों, शंकर का नाम बाद क्यों? नहीं, वो पाप है और वो बच्चा है। अभी भी परंपरा चल रही है, एंड संस कंपनी की परंपरा है या नहीं है? संस का नाम बाद में, बाप का नाम पहले। ये जरूर बच्चा ठहरा, उनको कहा ही जाता है बाबा। ये बच्चा ठहरा कौन? यह कह के किसकी तरफ इशारा? अरे किसके बाजू में बैठा है? ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठ करके बोल रहा है ये बच्चा ठहरा। उनको कहा जाता है बाबा, इनको नहीं। किनको दूर कर दिया? मना भविष्य में वो पार्ट संसार के सामने अथवा तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है, उनको कहा जाता है बाबा। ये जरूर बच्चा ठहरा कौन? बच्चा ठहरा, समझाओ तो कैसे बच्चा ठहरा? नहीं समझाएंगे? अरे मुरली में तो आया है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे, ऐसे ऐसे वाक्य आए ना। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात है। तो यज्ञ के आदि में कोई पावरफुल आत्माएं थी ना? ये भी पूछते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा? तो ब्रह्मा क्रिएटर है या क्रिएशन है? क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन? निराकार की क्रिएशन या साकार की क्रिएशन? क्रिएशन और क्रिएटर ये साकार में कहा जाता है या निराकार में कहा जाता है? क्रिएटर भी साकार और क्रिएशन भी साकार। तो ब्रह्मा का बाप कौन? यज्ञ के आदि में जो हस्ती थी जिसके द्वारा ब्रह्मा को अपना परिचय मिला, उनके साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन मिला, तो राम वाली आत्मा वही बाप हुई, वही क्रिएटर है। ये जरूर बच्चा ठहरा। तो बरोबर इस कृष्ण बच्चे को जो स्वर्ग का बच्चा है, इतनी जो इनकी प्रारब्ध है वो तो जरूर बाप ने दी होगी। कितनी प्रारब्ध है? कितनी प्रारब्ध है? अरे किसकी बात हो रही है? कृष्ण की बात हो रही है। संगम युग में कहें तो दादा लेखराज ब्रह्मा की बात हो रही। उनको जो ये इतनी प्रारब्ध मिली, यज्ञ में इतनी शोहरत मिली, उसका दाता कौन, देने वाला निमित्त कौन साबित हुआ? है यज्ञ के आदि वाला साबित हुआ। और सतयुग में भी बच्चा बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो उसकी वो सतयुगी प्रारब्ध देने वाला कौन, प्रैक्टिकल में कौन? शिव बाप, शिव बाबा, शिव बाप नहीं, क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है। मेरा नाम कभी बदलता नहीं, जब शरीर बदलते हैं तो
नाम भी बदल जाता है। तो जरूर बाप ने प्रारब्ध दी होगी। देखो एकदम फर्क है। शिवरात्रि के पीछे आती है कृष्ण जन्माष्टमी। बाप का जन्म पहले या बच्चे का जन्म पहले? बाप का ही पहले होगा। तो शिवरात्रि पहले और कृष्ण रात्रि बाद में। रात्रि दोनों के पीछे दोनों में क्यों लगा दी है? शिव के लिए भी रात्रि और कृष्ण के लिए भी रात्रि और ब्रह्मा की भी रात्रि प्रसिद्ध है। रात्रि किसकी प्रसिद्ध है? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात्रि। कभी मुरली में आया प्रजापिता का दिन प्रजापिता की रात्रि? यज्ञ के आदि में भी वो पाठधारी रात्रि में नहीं था और अंत में भी रात्रि में नहीं, ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा का दिन। अभी क्या चल रहा है? अभी भी ब्रह्मा की रात्रि। दिन कब होगा? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चा पैदा होता है, जन्म होता है, तो पहले किसको पता चलता है? पहले माँ को पता चलता है, फिर घर वालों को पता चलता है, फिर मोहल्ले वालों को, फिर गांव वालों को, फिर सारी दुनिया में नंबर बात। ऐसे ही शिवरात्रि पर जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो पहले पहले किनके बीच में प्रत्यक्ष होगा है? ब्रह्मा कुमारियों के बीच में प्रत्यक्ष होगा है? ब्रह्मा की कुमारियों के बीच प्रत्यक्ष होगा, ब्रह्मा के कुमार के बीच में नहीं है? बहुत प्रभावित हो, बोलो किसके बीच में प्रत्यक्ष होगा? वैसे भी बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है या बच्ची ज्यादा पावरफुल होती है? बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है। वर्षा किसको मिलता है? बच्चे को वर्षा मिलता है। तो शिव बाप भी आते हैं तो शिव बाप वर्षा किसको देते हैं? अच्छा, शिव बाप का वर्षा क्या है? पहला पहला वर्षा क्या है? लड्डू लाता है, पेड़ा लाता है, सोना चांदी लाता है, क्या लाता है? घर मकान परिवार लाता है, क्या लाता है? वो है ही ज्ञान स्वरूप। तो जो ज्ञान स्वरूप बाप है, उस ज्ञान को अर्जन करने वाला जो अब्बल नंबर है, वो ही बाप का अब्बल नंबर वर्षा पाता है। प्रैक्टिकल में वर्षा क्या है? ज्ञान का रिजल्ट क्या है? सुख और शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने दुखों से मुक्ति, और फिर उसके बाद जीवन मुक्ति। तो ये बाप का वर्षा है। इसलिए बताया कि शिवरात्रि पहले आती है, महाशिवरात्रि। महा क्यों लगा दिया? इससे बड़ी रात्रि और कभी होते ही नहीं। कब होती है इतनी बड़ी रात्रि? कब कहे? अरे है, हाँ ठीक है, कलयुग के अंत में। वो तो ब्रह्मा कुमारियां भी बताती हैं। हमने आपने क्या नई बात बताई है? ब्रह्मा बाबा की मुरली में भी यही बात आई है।
कलयुग के अंत में बाप आते हैं तो क्या सन 36 कहे हैं? क्यों? वो महाशिवरात्रि नहीं है, हैं? बाप? हाँ, जो देखे कैसे देखे, नाक से देखे कैसे देखे, जो आंखों से देखे, जो सुने कैसे सुने, जो कानों से सुने उसके मुख से क्या निकले, मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते हैं उनका ही नहीं, दुनिया में जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले कि मेरा बाप आ गया। कोई ये न कहे सुनने और देखने वाला कि ये बाप नहीं है। उस समय कहेंगे कि बाप आ गया। तो कब कहेंगे? जब बाप प्रत्यक्ष हो गए। कब हुए प्रत्यक्ष? 76 में हुए हैं? 76 में प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं? थोड़े बच्चों के सामने 76 में। मुरली के अनुसार भी अगर कहें तो मुरली बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब की वाणी है। उल्टा चक्कर घुमाए, पूरे 5000 वर्ष तक चक्कर न ले जाए, 10 वर्ष पहले ही रोक दे तो कौन सा सन आएगा? 76 आएगा। तो 76 में किसका जन्म हुआ? ज्ञान के आधार पर अगर कहें, ज्ञान कहा जाता है विद, विद माने जानकारी, वेद, वेद किसके मुख से निकलते हैं? है? ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली उसके आधार पर हमने जाना कि सन 76 किसका जन्म है? बाप का है। मनुष्य सृष्टि के बाप का या आत्माओं के बाप का? मनुष्य सृष्टि। नारायण को मनुष्य सृष्टि का बाप कहेंगे या आत्माओं का बाप कहेंगे? मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो सन 76 को महाशिवरात्रि नहीं कह सकते। नारायण प्रत्यक्ष होता है, जो पहले नर है वो क्या बनने वाला है? नारायण बनने वाला है। ये तो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन बनाने वाला कब कब है, कौन है, वो तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे कब होता है प्रत्यक्ष? है है? बोला है बाप अकेले प्रत्यक्ष होते हैं है? कि बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होते हैं? बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा है क्या? सतयुग में जब कृष्ण पैदा होता है तो उसका बाप भी पैदा होता है, है? वहां की तो बात ही नहीं है। सतयुग में थोड़े ही बाप शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं। कब होते हैं? संगम युग में होते हैं। तो संगम युग में जो बाप आया हुआ है वो पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करता है, जिसको नर से नारायण बनाता है। वो नर से नारायण बनाने बनने वाला उसका बच्चा कौन? अरे कृष्ण बच्चा। तो वो अपने बच्चे को पहले प्रेफर करेगा कि दूसरे को करेगा? है? घर में आग लगे, बाप खुद निकल के भाग जाएगा या बच्चे को उठा के भागेगा? सच्चा बाप है फिर तो ऐसा ही करेगा, है? झूठे भी होते हैं। तो
जैसे शिव बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? कृष्ण बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा। तो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई है या प्रजापिता की पढ़ाई है या शिव बाप की पढ़ाई है? कृष्ण बच्चे की सारी पढ़ाई है। बच्चे को बालिक बुद्धि बनाना है। तो शिवरात्रि के पीछे आती है कृष्ण जन्माष्टमी, भले पीछे ये सभी आते हैं, होली, रखड़ी, फलाना फलाना, शिव बाबा के पीछे ये सभी त्योहार आते हैं। ये तो बाप ने बैठ करके समझाया ना, नहीं तो मनुष्य क्या जाने त्योहारों से, सन्यासी क्या जाने इन सब बातों से। वो तो एक धर्म हुआ ना। बाप तो अभी कहते हैं बच्चे ये देह के जो भी सर्व सभी धर्म हैं, कौन कौन से हैं सभी धर्म? अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी देह के धर्म है ना, आत्मा के धर्म है। इन्होंने क्या आत्मिक स्थिति में किसी को स्थित कराया कि और ही दुनिया में देहभान बढ़ता गया, बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो ये जो भी सभी धर्म है, भले कोई भी हो, चलो गुजराती हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, फलाना फलाना, ये सब बातें अभी छोड़ दो, पीछे ये सब तुम्हारे ऊपर नाम आए हैं। कोई जन्म में पंजाबी होगा, कोई जन्म में मारवाड़ी होगा, कोई जन्म में गुजराती होगा, कोई समय में तुम सन्यासी भी होंगे। क्या कहा है? कोई समय में सन्यासी भी होंगे, बोला ना। पंजाबी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, ये सभी बातें अभी छोड़ दो, पीछे ये सब तुम्हारे ऊपर नाम आए हैं, तुम्हारे ऊपर। किससे बोला? किसने बोला? शिव बाप ने बोला। किससे बोला? हैं? सामने वाले व्यक्ति को। उसमें भी किससे बोला? हाँ, इससे साबित क्या हुआ कि राम वाली आत्मा हर धर्म में जाकर के जन्म लेती है, और राम के साथी जो भी होंगे वो भी सब और धर्मों में जाके जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? कभी मराठी बनेंगे, कभी गुजराती बनेंगे, कभी क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे, बनेंगे। किसी भी धर्म में जाकर के जन्म लेना अच्छा या एक धर्म में जन्म लेकर के फिर कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाना अच्छा है? एक धर्म में जन्म लेकर फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना अच्छा है? वो कन्वर्ट होना अच्छा नहीं। किसी धर्म में जाकर के जन्म लिया वो अपना धर्म हो गया, स्वधर्म हो गया, मेरी आत्मा, मेरा शरीर। तो बीज है सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि का बीज है, तो सब धर्मों से कनेक्टेड होगा या किसी एक ही धर्म से कनेक्टेड होगा? सब धर्मों से कनेक्टेड। विश्व का पिता है, विश्व पिता है, तो सभी धर्मों को राजा ही देगा या सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले जो सिद्ध हस्त हैं, आत्माएं, है, उनको ही वर्षा देगा? आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे, उनको वर्षा देगा? जिसके लिए बोला तुम कभी मराठी बनते हो, गुजराती बनते हो, कभी पंजाबी बनते हो, किसके लिए बोला?
प्रजापिता या जो भी उसके समकक्ष आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं दूसरे धर्म में क्यों जाती हैं? है धर्म स्थापन करने जाती हैं? नहीं, वो दूसरी धारणा स्थापन नहीं कर सकते, राजा ही स्थापन करने जाते हैं। बाप के सिवाय राजा ही कोई दे ही नहीं सकता, और उस बाप को सभी धर्म वाले मानते हैं। क्रिश्चियन किस नाम से मानते हैं? एडम। मुसलमान आदम। जैनी लोग आदिनाथ, और हिंदू लोग तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण आदिदेव शंकर के नाम से मानते हैं। तो सारी दुनिया उस मनुष्य सृष्टि के बाप को मानती है, तो कुछ प्राप्ति कराई होगी तभी मानती है, या ऐसे ही मानती है? है? कुछ प्राप्ति नहीं कराई, कुछ प्राप्ति कराई। तो देखो, तुम कोई समय में सन्यासी भी होंगे, क्योंकि सन्यासी भी भ्रष्ट हो पड़ते हैं, गृहस्थ में जन्म लेते हैं, कोई जा करके सन्यासियों में भी जन्म लेते हैं, ऐसे ही जन्म फिरते रहते हैं। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को ये निश्चय कराते हैं, हमारी आत्मा इस समय में परमपिता परमात्मा से ये सभी कुछ नॉलेज जो है वो पढ़ रही है इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाहर में कोई भी स्कूल वगैरह नहीं है जो ऐसे बैठ करके समझे कि हम आत्मा है और बरोबर पाप पुण्य के लिए छिप में आ गए हैं। दूसरे धर्म ऐसे समझाते हैं? किसी भी धर्म में ऐसे समझाया जाता है? नहीं। इसलिए तो हमको तमोप्रधान आत्मा कहते हैं, क्यों हम लेप छेप में आ गए, और पहले हम सतोप्रधान थे, वहां रहने वाले थे। आत्मा के लिए कहा जाएगा ना, खाद आत्मा में पड़ती है। बाबा कहते हैं मेरे में तो कोई खाद नहीं पड़ती है। किस में खाद नहीं पड़ती है? हैं? शिव। शिव बाप में कोई खाद नहीं पड़ती है। शिव बिंदी। अरे बिंदी रूप में कनेक्शन में आएगा, संबंध में आएगा, या साकार में प्रवेश करेगा तब संबंध में आएगा। साकार में प्रवेश करे फिर संबंध में आवे। संबंध इंद्रियों के द्वारा जुड़ा जाता है, या बिना शरीर बिना इंद्रियों के संबंध जुड़ जाता है? है? इंद्रियों के द्वारा ही संबंध जोड़े जाते हैं। तो बोला मेरे में तो कोई खाद नहीं पड़ती है, ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। है? शिव बाबा ने बोला, शिव बाप की आत्मा ने बोला ब्रह्मा के द्वारा। मैं तो एवर ही सच्चा सोना हूं, तो तुम्हारी जो आत्मा जिसको सोना भी कहा जाता है उसमें अलाय पड़ती है, खाद पड़ती है, बरोबर सब में खाद पड़ करके और सभी आयरन एज बन गए हो। तो अभी तुमको यहां पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? ये बार बार बात बुद्धि में रिपीट होनी चाहिए। कौन पढ़ाते हैं? कोई देह को धारण करने वाली आत्मा पढ़ाती है, या देह से परे सदैव रहती है वो पढ़ाती है? हैं? परे रहती है, देह धारण नहीं करती। देह धारण तो करती है, लेकिन देह का उस देह का लेप छेप नहीं लग। और धर्म पिताओं को, जो भी धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं उन सबको देह का लेप छेप लगता है। जिस भी देह में प्रवेश करेंगे, तो पतित में प्रवेश करेंगे या पावन में प्रवेश करेंगे, पति शरीर में प्रवेश करते हैं और उसका लेप छेप उनमें लगता है, वो भी नीचे गिरते हैं। और ये बाप, ये शिव बाप ऐसा है जो पतित से पतित कामी कांटे में आता है, लेकिन उसको कामी कांटे के संग का रंग
बिल्कुल नहीं लगता। पहले ही जवाब है बरोबर, ये मम्मा पढ़ाती है। मम्मा ने किससे सुना? अरे मम्मा भी बैठ के सुनती थी, बच्चे भी बैठ के सुनते थे, तो सुनने वालों में कुछ अंतर होता होगा या नहीं होता होगा? सब एक जैसा सुनते थे तो क्या अंतर था? जिसका बुद्धि इतना है उतना ही। नहीं, मम्मा एक शिव बाप से सुनती थी, उसकी बुद्धि में रहता था कि सुनाने वाला कौन है? ब्रह्मा नहीं, सुनाने वाला शिव बाप है। मम्मा की बुद्धि एकदम ऊपर में चली जाएगी, एकदम ऊपर माने हाँ परम धामवासी बाप से सुनती। शिव बाबा ने कहां से सुना? एकदम बुद्धि ऊपर में चली जाएगी, शिव बाबा से सुनती, ब्रह्मा बाबा से नहीं सुनती, एकदम बुद्धि ऊपर चली गई। अच्छा शिव बाबा ने किससे सुना? अरे जानी जाना यार, शिव बाबा। बाबा कब कहा जाता है? यहाँ तो शब्द भी दोनों जुड़े हुए हैं। शिव माने बिंदु, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जब शरीर में आते हैं तो जिस शरीर में आते हैं उसको बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा ने किसे सुना जिसमें आया? हैं? वो तो स्वयं ज्ञान का सागर है। कब से? सदाशिव। सदाशिव नॉलेजफुल है सदाशिव। हाँ कब से? अरे बताओ जल्दी जल्दी। वो तो सन 36 में प्रवेश किया। नहीं वो तो क्या है? सन 36 में ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया, तो फिर सन 36 से मुरली चलाई जानी चाहिए थी। मुरली में ये क्यों कहा कि पहले ये ब्रह्मा मुरली थोड़े ही चलाते थे? रात के 12 बजे बैठ करके लिखते थे, मैं बाप लिखाते थे। मुरली कब से चलना शुरू हुई ब्रह्मा के द्वारा? कराची से मुरली चलना शुरू हुई, उससे पहले तो मुरली चलाते ही नहीं थे। सन 36 से फिर क्या हुआ? हैं? शिव की वाणी ऊपर से आती थी क्या? वही जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने फिर ये फरमाया, अल्लाह मान ये वो फरमाया, तो अल्लाह मियाँ की आवाज क्या ऊपर से आती थी? अल्लाह मियाँ जब कहते हैं तो जरूर कोई ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी ही होगा ना। हीरो पार्टधारी को ही ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी कहा जाता है। तो पूछा शिव बाबा ने कहां से सुना? कहेंगे शिव बाबा तो खुद ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है कि ज्ञान का सूर्य है? सागर है शिव बाबा, ज्ञान सूर्य नहीं है। ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान सागर भी है, और सागर भी है। सागर तो धरणी से लिपट के रहता है और सूर्य लिपट के रहता है, है? उसकी बुद्धि तो बिल्कुल नहीं लेपछेप में आती है, लिपट के रहने की बात ही नहीं है। तो सूर्य जिसे कहा गया वो आत्मा अलग और सागर, सागर अलग। वो शिव बाबा तो खुद ही ज्ञान का सागर है, उसे कौन सुनाएगा? क्यों? शिव बाबा जिसको टाइटल मिलता है संसार में, वो शिव बाबा ब्रह्मा की वाणी नहीं सुनता।
नहीं सुनता। फिर शिव बाबा जो हमको ज्ञान सुनाता है, शिव बाबा को कौन सुनाता है? तो सर्वज्ञ है ना, है? तो स्वयं जानते हैं सब कुछ, स्वयं जानते हैं, सुनाने वाला कोई नहीं है। गुण की छाया सर्वज्ञ स्वयं, शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाप, बाबा तो नहीं। हाँ हाँ, साकार में आया, जब साकार में आया तो टाइटल बदल गया ना, शिव बाबा हो गया ना। तो शिव बाबा अलग और शिव बाप अलग। अच्छा, दोनों को सुनाया किसने? चलो छोड़ो, लड़ो मत। दोनों को किसने सुनाया? कहेंगे जिसे अंतर्यामी कहते हैं वो ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है अंतर्यामी, और नीचे वाला अंतर्यामी नहीं है, बहिर्यामी है। बाहर की बातों से, बाहर की एक्ट से, बाहर के वाइब्रेशन से समझता है, बाकी वो अंतर्यामी नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। ऐसे झूठा क्यों बोलता है? बोलने वाला जो है सुप्रीम सोल है ना, वो क्यों बोलता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं? जब मैं शब्द आता है तो उसमें अहं जुड़ा हुआ है। क्या? अहंकार। और अहंकार देह के साथ जुड़ा हुआ होता है, या सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर छूट जाता है तब अहंकार होता है, देह के साथ जुड़ा होता है। तो जहां जहां मैं शब्द आया, या बाप शब्द समझाते हैं, बाप समझाते हैं, तो वहां मनुष्य सृष्टि के बाप की तरफ इशारा होता है। तो यहां बहुत समझ की बात है, अच्छी तरह से बड़े से बड़े गहराई में जाकर के समझना है। वास्तव में जो समझू होते हैं, बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं, ऐसे ही समझते हैं। बस हम बाबा का बने, बस बाबा का बने, जैसे कि जीवन मुक्त बनना है। बाबा का बने माने शिव बाप के बने तो जीवन मुक्त बनेंगे। अरे, शिव बाबा का बनेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे, या शिव बाप के बनेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे? शिव बाबा के बनेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे, शिव बाप के बनेंगे तो सारे संसार के सभी धर्मों की आत्माएं किसको पहचानती है, किसको नहीं पहचानती? निराकार को पहचानती है, और साकार को पहचान नहीं पाती। वो बनती ही नहीं। बाप के बच्चे प्रैक्टिकल में बच्चे ठीक से बनते ही नहीं, तो वो जीवन मुक्ति का वर्षा भी नहीं लेते। तो बाबा से जीवन मुक्ति बनना, और कोई भी मनुष्य मात्र से कोई भी जीवन मुक्त नहीं बन सकते हैं। अरे, बाबा मनुष्य नहीं है, है? बाबा मनुष्य है या नहीं है? बाप नहीं मूर्ति। बाबा भी मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य है। मनुष्य है या मिक्स है? है? मनुष्य है, परंतु मनुष्य का भान नहीं रहता है, जानवर का भान रहता है। मनुष्य नहीं, सभी शब्दों के अर्थ होते हैं। मनुष्य तब कहा जाता है जब मनन चिंतन मंथन का मादा है, और शिव बाप को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। तो ये अंतर है, इसलिए बोला मनुष्य का भी भगवान नहीं हो सकता। जब अपने 84 जन्म का पूरा ही ज्ञान हो जाए,
तब भगवान है या मनुष्य है? है जब अपने 84 जन्मों का पूरा ही ज्ञान हो जाए तब भगवान है या मनुष्य है? तब भगवान है, उसे कुछ जानने के लिए रहा ही नहीं और 84 जन्मों का ज्ञान ही नहीं है तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है या नहीं है? है। तो मनन चिंतन मंथन जब तक है तब तक मनुष्य है। अपने 84 जन्मों का पूरा ही ज्ञान हो गया, आत्मा का, आत्मा रूपी रिकॉर्ड का अंदर बाहर पूरा ही ज्ञान हो गया तो फिर उसको मनुष्य नहीं कहेंगे, मननात मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है। जानवर मनन करते हैं तो उनको मनुष्य कहा जाता है? नहीं। अच्छा गणेश जी को, गणेश जी को मनुष्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? हैं? गणेश को देवता कहते हैं। घटिया किस्म का देवता है या द्वापर युग से पूजा होती है? हैं? द्वापर युग से पूजा होती है फिर भूल जाते। कोई भी मनुष्य हाथ से कोई भी जीवन मुक्ति नहीं बन सकते क्योंकि जीवन मुक्त माना ही फिर इस शरीर में आना और सुख भोगना। अभी जीवन बंद है परंतु पहले तो हमको मुक्ति धाम में जाना है ना, तो मुक्ति भी सबको मिलती है और जीवन मुक्ति सबको मिलती है? नहीं मिलती। क्यों? एक जन्म की जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलती है, एक जन्म की तो सबको मिलती है। परंतु जीवन मुक्ति नंबर वार है। क्या कि एक ही जैसी है? कोई सत्यु के आदि से ही आएंगे, कोई त्रेता में आके जन्म लेंगे, कोई द्वाप त्रेता के बिल्कुल अंत के जन्म में आकर के जन्म लेंगे, तो नंबर बार है। कोई द्वापर में भी आते हैं, उनको जीवन मुक्ति मिलती है या नहीं? हैं? हैं? द्वापर में आने वाले को एक जन्म, उनको भी एक जन्म की मिलती है। तो आएगी तो आत्मा ना, मुक्त तो सभी आत्माएं होती हैं। ये जीव की आत्मा उन सब को दुख से मुक्त कर देती है। ओम शांति।